सपनों की नगरी मुंबई हो रही सामने। क्या बोलती बंटा पब्लिक, कैसा है सबजन? तो अब तक मैंने बहुत सारे बहुत आवाज़ें बी एस टी बस पर, बट एनी वे मैं जैसा बोला था कि अब तक मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियो बनाए हैं वो सारे सोलो रहे हैं, जो खाने की दुकानें हों या फिर मैं कहीं राइड पे गया हूँ, पगोड़ा पे भी गया था, और फर्स्ट टाइम आज मैं अपनी लाइफ में किसी यूट्यूबर के साथ अपना ये व्लॉगिंग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और वो ऐसा वैसा यूट्यूबर नहीं है, तुम लोग उसको जानते हैं, बहुत पोचली चीज़ है, उसका नाम है वेंडरलेस अमे और बहुत हार्ड भाई है। तो भाई ने उसके वीडियो भी देखना, उसके दिवाली के वीडियो तो एक नंबर वीडियो है। भाई ने छोटे छोटे बच्चे लोग को उसने जो है वो गिफ्ट वगैरह दिया है। तो आज मैं वेंडरलेस अमे के साथ हूँ, वो हो रहा वेंडरलेस अमे। हेलो, कैसे है ब्रदर? तो ये है वेंडरलेस अमे, अभी थोड़ा मास्क वास्क निकालेंगे हम थोड़ी देर में और दिखाएंगे, बट भाई का वीडियो देखना, वो जो मैं तुम लोग को बताया था दिवाली वाला वीडियो जो बच्चों को गिफ्ट दिया है, तो बहुत हार्ड आदमी है और पहली बार हम लोग कोलेब्रेशन में यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और अभी हम लोग का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम जाने वाले हैं चार प्लेसेस। अभी हमारा पहला प्लेसेस रहेगा मारवे, अपना किनारा, उसको जेटी भी बोल सकते हैं, व्यू बहुत सूट है। बाद में अक्षा बीच, दाना पानी बीच और फिर जाएंगे मढ़पुर। तो ये चार पूरा घूमने का प्लान है बनता है, अपने पूरा घूमेंगे। तो आप लोग बने रहो, आपको नेक्स्ट क्लिप में मैं मिलूंगा। बट थैंक यू सो मच अमे फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और मैं ऐसा आशा करता हूँ हम लोग आगे भी ऐसी बहुत सारी जर्नी कर देंगे और पब्लिक को मुंबई दर्शन कराते रहेंगे। ऑल राइट, सी यू मैन। तो मिलते हैं, चलो अभी वेंडर समय के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और भाई ऑलरेडी मेरे पे भड़का हुआ है। तो अगली क्लिप में मिलता हूँ, लव यू। ये है फेमस मारवे बीच। बहुत ज़्यादा इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बनाई जा रही है। मलाड वेस्ट में आप उतरोगे तो बस पकड़ के या ऑटो पकड़ के आप आ सकते हो। ऑटो वाला कुछ तो 80 रुपये लेगा, बस से 15 रुपये की टिकट है मारवे बीच आने की। ये मारवे बीच है, ये रोड बनाई जा रही है। अच्छा, पहले ना ये रोड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो देखो पगोड़ा दिख रहा है उधर। इसी बार मैंने पगोड़ा का वीडियो बनाया था, मेरे पापा बोलते बहुत ही बकवास वीडियो बनाया था, बट एनीवे। तो ये जो पत्थर जो पड़े हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर मारवे बीच पे। इधर सड़क बना रहे हैं और उधर सामने वो उधर मनोरी आइलैंड है। मनोरी आइलैंड से लोग क्रॉस करके इधर आते हैं और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग हैं, ये जो कपल लोग हैं अभी मनोरी आइलैंड घूमने जा रहे हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए चल रहा है क्योंकि रोड बना रहे हैं, ताकि रोड से अब कार वगैरह भी जो है वो फेरी बोट पे उधर जा सके और उधर से कार यहाँ पर आ सके। अभी फिलहाल जो है सिर्फ लोग बोट से उतरते हैं और बाइक्स बोट से उतरती हैं, अभी कार के लिए भी रास्ता बना रहे हैं। और ये आ गया फेंस ही रहे, इस फेंस के आगे आप नहीं जा सकते। ये आगे का जो फेंस के बाद वाला जो एरिया है, ये इंडियन आर्मी का एरिया है और नेवी का एरिया है। तो इसके आगे आप जाएंगे तो बहुत लोचे लवाचे हो जाएंगे। ये आ गई, ये BST की फेरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी लोग उतर रहे हैं और बाइकें उतर रही हैं। अब जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रोड प्रॉपर रोड बन जाएगी, तब यहाँ से कार वगैरह भी, फोर व्हीलर्स भी यहाँ पे जाने लगेंगे। पर ये फेरीज का टिकट ज़्यादा है भी नहीं, 5 रुपये 10 रुपये हिसाब से, मतलब बाइक है तो 10-15 रुपये, सिंगल हो तो आपको 5 रुपये पर हेड की टिकट है। ये मस्त देखा तुम लोगों ने, एक फेरी आई है और फेरी बोट में पूरा पब्लिक ऐसा अंदर चला गया। तो बेसिकली मुंबई में अपन जितने भी लोग जो कोस्टल साइड पे रहते हैं, जो बीच साइड पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यही सब हैं, फेरी बोट्स ही हैं। बिकॉज फेरी बोट से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाके, या एक स्टेशन से दूसरी जगह जाके, रोड पे से नहीं जाके और बसेस से ट्रैवल नहीं करके, ये बोट से ट्रैवल करके लोग दूसरी जगह पे जाते हैं। और बहुत कभी कभी ईजी भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उस वाले आइलैंड की तरफ रह रहा है जो कि मनोरी आइलैंड है, और कोई उधर रह रहा है और उसका जॉब है यहाँ पर, तो पूरा इतना घूम के रोड से जाने के बजाय वो लोग सिर्फ 5 रुपये की टिकट में या 10 रुपये की टिकट में बोट में बैठ के इधर आ जाएंगे और अपने अपने काम को जा सकते हैं।
तो ये बहुत एक अच्छा जरिया है। आई एम श्योर जहाँ जहाँ पर भी जिस भी सिटी में लेक्स हैं या समंदर है तो वो लोग ऐसे ही करते होंगे, बट सही है। तुम लोग ना ऐसा व्लॉग करने का वेंडल समय के जैसा, बेसिकली ये हम लोग के व्लॉग का ये पर्पज़ नहीं है कि हम लोग आज बहुत घूमने आए हैं, बट मेन पर्पज़ ये कि आप लोग का इन्फॉर्मेशन देने का। जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि कौन सी प्लेसेस में, मतलब फ्रेंड्स कैटेगरी में हम लोग ने डाले फ्रेंड्स फैमिली कपल, तो कौन सी प्लेस किसके लिए ज़्यादा है वो भी बताने वाले वीडियो में, तो बनी रही है। देखा आपने मेरा बच्चा, तो ये है कि पूरे व्लॉग का जो मतलब है ना वो ये नहीं है कि यूट्यूबर लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं और मज़ा मस्ती कर रहे हैं, नहीं, बेसिकली कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप लोग कभी भी मुंबई आओ या अगर आप मुंबई में नए हो या फिर हम जिस जगह पर जा रहे हैं आप उस जगह पर कभी नहीं गए हो, तो ये व्लॉग्स देख के वीडियो देख के आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक स्टेप अहेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, विच इज़ गुड फॉर योर एडवेंचर, गुड फॉर योर राइड, गुड फॉर योर इन्जॉयमेंट। सो बी देयर। या मैं आपको एक बात बताऊँ, मुंबई में 50% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है ऐसी जगह है मुंबई में। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी जगह पे पता है, तो हम लोग उनको भी बता रहे हैं, मुंबई में रहने वाले लोगों को भी। बेसिकली मुझे ही ताना मारा है कि मैंने आज तक कभी मड फोर्ट नहीं गया हूँ मैं। आप तो इधर के हैं ना। मुझे ही ताना मारा क्योंकि आज तक कभी मड फोर्ट नहीं गया हूँ, तो ये ताना मिले था, बट यस हम लोग मड फोर्ट जाएंगे और दिखाएंगे, और मैं भी बिकॉज ऑफ हमें आज मैं भी मड फोर्ट देखूंगा। तो एक चाय ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक चाय का ब्रेक लिया, मैंने आप लोगों को बोला था एक चाय का ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कड़क मसाला चाह, और मेरे साथ तो ओनर है साथ में। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? विजय। विजय, तो विजय से पूछते हैं कि ये जगह कैसी है और कितना इस जगह ने प्रॉस्पर किया इतने सारे सालों में, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पर, स्कूल के जमाने से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो विजय, आपका ये दुकान कितने सालों से है? सर मेरा तो अभी ये लॉकडाउन की जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने स्टार्ट किया, जैसे ओपन हुआ है ओके, तो तब से मैंने स्टार्ट किया, अभी 4 महीने हो गए, 4 से 5 महीने। और लॉकडाउन में जितना भी जो पब्लिक है वो बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है सर यहाँ पे पब्लिक। ओके, बट फिर भी आप चाय लगाते हैं बराबर? जी हाँ, लेकिन सैटरडे कस्टमर तो मिल ही जाते हैं ना? हाँ, वीकेंड में तो मिल जाते हैं कस्टमर, नॉर्मल वीकडेज में थोड़े कम होते हैं, इवनिंग में थोड़ा क्राउड होता है ओके, बाकी डेज में नॉर्मल ओके। और क्राउड कैसा, यूथ रहता है कि फैमिली वाला? फैमिली होता है, यूथ होता है, मिक्स बेसिकली, मिक्स 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 होता है ओके। और आपकी चाय बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तो कभी भी आप आए तो अपना शॉप का नाम बता दीजिए। कड़क मसाला चाह मारवे। सुना आप लोग ने, कड़क मसाला चाह मारवे। तो आओ विजय की दुकान पे आओ और मस्त चाय पियो और भाई को सपोर्ट करो। और भाई को कुछ फेसबुक पेज वगैरह कुछ है क्या? सर अभी तो नहीं बनाया मैंने, अभी बनाएगा, जल्द बना लूंगा, अभी बनाएगा और यूट्यूब चैनल भी बनाएगा। चलो, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ग्रेट अक्सा बीच। अभी हम लोग अक्सा बीच पे आ गए हैं, बहुत फेमस बीच है अक्सा बीच, कपल्स के लिए भी नहीं, कपल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत फेमस अक्सा बीच है। और मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ अक्सा बीच पे, मैं बचपन से आ रहा हूँ अक्सा बीच पे। और सुबह के कितना बज रहा है? 10:05 काफ़ी है, बाकी है। गुड मॉर्निंग ताई, कैसे लक्ष्मी अजित? बस एकदम अजित ताई। तो ऑलमोस्ट 10 को आ गए और ऑलरेडी दुकान वगैरह सब खुल गई है। और देखो वेंडर लिस्ट में सब यूट्यूबर की एक ही प्रॉब्लम, बाइक से उतरो, कैमरा सेटअप करो, बाइक पे छोड़ो, कैमरा वापस डिसमेंटल करो, रखो। अब मैं आज से तू और मैं दोस्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कैसा मित्रा? बस मजे। तो देखो देखो 10 और शॉप्स वगैरह खुल गई है, खाली पानी मिल रहा है। ताड़गोड़ा पर आए थे देखो संध्या गाड़ी क्या नाम था। हम लोग ये जो रास्ता है ना, ये आपसा का रास्ता है, ये पूरा रास्ता आपसा बीच की तरफ आता है, बहुत मस्त बीच है। पिछली बार जो मैंने गोराई का वीडियो बनाया था ना, तुम लोगों को बताया था मैंने गोराई का बीच, तो आई थिंक आपसा बीच और गोराई को कंपेयर करेंगे
तो मैं शायद फर्स्ट प्रेफरेंस अक्सर बीच पे दूंगा। ये बीच ना थोड़ा सा डेंजरस बीच भी है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट है, इसकी वजह से स्विमिंग जो है जल्दी अलाउड नहीं होती। और वहाँ पर तुम लोग देखोगे रेड फ्लैग लगा दिए उन लोगों ने, लाइफ गार्ड ने। बट बीच काफ़ी सुंदर है। वहाँ पर मैंने एक मेरा म्यूज़िक वीडियो भी शूट किया था। क्या भाई कैसे? वो जो साइड दिख रहा है ना, वो साइड इधर मैंने एक मेरा म्यूजिक वीडियो शूट किया था। मस्त देखो, ये लोग ने रेड फ्लैग लगा के रखा है, इसके आगे मत जाओ। फिर यहाँ पर ये बीच में ना करंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत डूबते हैं और डूबे भी हैं काफ़ी। मतलब फैमिली के लिए भी अच्छा बीच है और फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी अच्छा बीच है। अच्छा ओवरऑल काफ़ी अच्छा बीच है। आई थिंक जो मेरा पुराना जो वीडियो था जो मैंने बनाया था गोराई वाला, उसके कंपेयर में ये बीच थोड़ा ज़्यादा अच्छा। हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस बीच पे साइकिलिंग का? मैं अभी पहली बार आया हूँ मतलब ये बीच पे। ओके, व्हाट्स योर नेम? यश। व्हाट्स योर नेम? स्मिथ। स्मिथ? यस, लाइक विल स्मिथ। या ब्रो, हार्ड को ब्रो, हार्ड शिट। तो कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस बीच पे? मैं अभी पहली बार आया हूँ यहाँ पे अब साइकिलिंग। तो ये देखो, आते वक्त ही मतलब एक बाइक ने मेरा ब्रेक उड़ा दिया, मतलब पूरा एक्सीडेंट हो गया था ऑलमोस्ट मेरा। तो बस चल रहा है एक्सपीरियंस, मे बी और बेटर हो सकता है। और सी यू गाइस, एंजॉय मैन, ओके, बाय बाय। तो देखो, बहुत सारे जन यहाँ पर साइकिलिंग के लिए भी आते हैं और बेचारे उसका एक ब्रेक तोड़ दिया है। हम लोग थोड़ा बीच से ना ये साइड पे हैं, पीछे के साइड पे, क्योंकि हमें को ड्रोन उड़ाने का। और वजह से आप सब लोगों को पता है कि मुंबई में ड्रोन का सीन थोड़ा सा अजीबोगरीब है, थोड़ा हर एक जगह को नो फ्लाइंग जोन बना दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ड्रोन उड़ाने का ट्राई करेंगे। और मैं अभी अपना जादू का बैग निकाल रहा हूँ, उसमें से ड्रोन निकालेगा। और सक्सेसफुल हुआ तो ड्रोन का फुटेजेस हमें के चैनल पर भी दिखेगा, मैं भी उससे वो फुटेज ले लेगा, मेरे भी चैनल पर दिखाएगा। तो देखते भी ड्रोन का एक्सपीरियंस हम लोग का कैसे रहता है। ऐसा हाई कर दो, मैं कभी ड्रोन में हूँ। हमें ड्रोन उड़ा रहा है। ड्रोन वहाँ पे अभी हम लोग ड्रोन का हाई बोलने वाले। मेरे को पता है तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट नहीं दिखेगा, बहुत छोटा है। फुटेज में हम लोग दिखाएंगे, ड्रोन के फुटेज में दिखाएंगे अपन हाई। लैंड करने का ये है छोटा वाला बीच, जो मैं पहले आप लोगों को बताया था कि आक्सा से हम लोग जो छोटे वाले बीच पे जाएंगे, दाना पानी बीच पे। तो ये दाना पानी बीच है। और ये जो बीच है, यहाँ पर बहुत सारे शूटिंग लोकेशन के बहुत सारे बंगलोज हैं यहाँ पर, जहाँ पर शूटिंग होती थी लोगों के। प्राइवेट बंगलोज भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा शूट किया हुआ है। तकरीबन आज से पाँच या छः साल पहले मैं यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर शूट किया हुआ है म्यूज़िक वीडियो। ये जो बीच है काफ़ी सेक्लूडेड बीच है, उतना कमर्शलाइज नहीं है इस बीच का आक्सा बीच से। बट ये छोटा बीच है, इसलिए इसका नाम है दाना पानी बीच। दाना पानी से भी यहाँ पर दाना पानी मिल जाता है। तो अभी हम लोग एक चाय का ब्रेक लेंगे, यहाँ पर चाय पियेंगे, और आई थिंक ताई ने कुछ बनाया है, कटलेट्स, वड़ा पाव, कुछ तो खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने ऊपर से तुम लोग को दिखाया था ना,
दाना पानी बीच, तो अभी मैं नीचे उतर आया हूँ, प्रॉपर बीच पे आ गया हूँ। और ये जो जगह है ना, ये बेस्ट है। ये बेसिकली इसको ना छुपा हुआ बीच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो माउंटेन से आप लोग बैठ भी सकते हैं, उधर भी बैठ सकते हैं, जैसा मन करे वैसा बैठ सकते हैं। इसको छुपा हुआ बीच बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती नहीं है और लोगों को थोड़ा सा एक प्राइवेसी वाला टाइम मिलता है यहाँ पर आने के लिए। और जितने भी रॉक्स हैं, आप थोड़ा सा अंदर जाकर रॉक में बैठ भी सकते हो। वो रहा वेंडल स्तंभ है, छुपा रुस्तम, वो उधर ब्लॉग बना रहा है। तो ये सब जो इन पत्थर हैं, ये थोड़ा सा अगर आप पानी में उतरना चाहो तो पानी में उतर के इन पत्थरों पे बैठ सकते हैं। मार्च 2016 में यहाँ पर एक कपल जो है डूबते डूबते बचा था, और लकीली एक लाइफगार्ड मिल गया था, एक लाइफगार्ड ने देख लिया था और उनको बचा लिया था। तब से ये बीच को जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है स्विमिंग के लिए। और जैसा मैंने बताया कि आक्सा पे भी और दाना पानी बीच पे भी करंट थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्विमिंग के लिए मना कर दिया है लोगों को। और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ फिशरमैन कॉलोनी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लाइफगार्ड होते ही नहीं हैं, बहुत कम होता है। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग भी नहीं हैं, कुत्ता तक नज़र नहीं आ रहा है इस बीच पर, तो थोड़ा संभल के आने का, लेकिन वही है, सेफ्टी तो अपने हाथों में है यार, सही है। तो ये यहाँ पर ना बहुत सारे रॉक्स पड़े हुए हैं, और रॉक्स पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया बैठ सकते हो। और आ वेंडल स्तंभ है पीछे, और अंदर जा रहा है वो व्लॉग करने के लिए, पानी में जाएगा आज, पानी में जाके व्लॉग करके मानेगा वो। तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे रॉक्स हैं यहाँ पर, और आओ बैठ सकते हो, चेल मार सकते हो, मस्त जगह है, एक नंबर। बट हमें तुमने क्या बताया यहाँ पर, क्या बहुत सारे कांच भी, बहुत सारे बॉटल्स है, मतलब जो बियर्स के बॉटल रहते हैं वो टूटी हुई ग्लास है, तो आप कभी भी आओगे तो संभाल के आना, मतलब पैर वीर को लग ना जाए, क्योंकि आप आओगे इधर एंजॉय करने के लिए, कुछ भलता ना हो जाए। मतलब बेसिकली इसका बोलने का मतलब है कि जूता चप्पल पहन के घूमने का, बाहर नंगे पाँव घूमने का नहीं। ऑलराइट, अभी कहाँ जा रहे हैं अपन? अभी थर्ड वर्ल्ड हम लोग लेंगे दाना पानी बीच, मतलब ये रॉक्स का उधर आपको बीच, मतलब साइन मिलेगी, मतलब ये भी दाना पानी बीच है। बट मैंने और एक जगह ढूंढ के निकाली है, क्योंकि ये वेंडरलस्ट है ना, नॉट ऑल हु वेंडर्स आर लॉस्ट, सो अभी दूसरी जगह पे चलते हैं। तो ये भी एक छोटा सा ही बीच है, दाना पानी बीच का एक्सटेंशन है। ऑफकोर्स मुझे पता है मेरे पे लाइट नहीं आ रही है, बट ये मुझे शॉट जो है बहुत प्यारा शॉट लग रहा है। तो ये जो बीच है, ये भी दाना पानी का एक्सटेंशन बीच है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही, कोई नहीं है इस बीच पे, और काफ़ी प्यारा बीच है, साफ बीच है, ब्यूटीफुल। तो ये है मड फोर्ट, ये भी मलाड में आता है, दाना पानी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो मड फोर्ट आता है। ये जो फोर्ट है ये पोर्चुगीज़ लोगों ने बनाया था, लेकिन आई थिंक फेब्रुवरी 1739 में जब मराठा एम्पायर से जब झगड़ा हुआ था, फाइट हुई थी, पोर्चुगीज़ और मराठा की बैटल हुई थी, तब मराठा ने ये फोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था, फेब्रुवरी 1939 में। मस्त फोर्ट है। हमें कैसा था यहाँ पर आने का रास्ता? बहुत ही खतरनाक, अगर आपको ट्राई करना है अपने रिस्क पे ट्राई करो, यही मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे ब्लॉग में भी बता रहा हूँ, क्योंकि खतरनाक वाला रास्ता है, वो स्लाइड रहता है ना माउंटेन के साइड, वैसा आप गिर भी सकते हो, तो इसके लिए संभाल के आना, रिस्क पे आ रहे तो ही, वरना मत आना, वरना वो पीछे मंदिर है, अच्छा सा व्यू है, या फिर ये फोर्ट का भी व्यू मिल जाता है उधर से, तो उतना आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर बोलते हैं कि पब्लिक को अलाउड नहीं आना। हाँ, यहाँ पर अलाउड नहीं है, वहाँ पर ऊपर फेंच लगे हुए हैं, तो शायद नहीं जाने मिलेगा।
और इसका फोर्ट का गेट जो है बंद है, मतलब अंदर जाने नहीं मिलेगा, जो भी देखना है बाहर से देखना पड़ेगा। बाकी बाहर भी इतना अच्छा व्यू है ना, तो आप सेटिस्फाई होगे इधर आके, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको दिख ही रहेगा क्योंकि ऋत्विक भाई आपको दिखा ही रहेगा, अच्छा व्यू मिलता रहेगा आपको। मेन इधर की बात है ना, ये सिटी जो दिखती है ना यहाँ से, जूम करके दिखा दो, बहुत ही मस्त वर्ष हुआ। क्या जर्नी थी आज वापस, मतलब सुबह इसने मेरे को फ़ोन किया वेंडरलस्ट हमें ने, और मेरे तीन चार दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चलते हैं साथ में यूट्यूब करते हैं। और मैं ऐसा, तुम लोग को पता है मैं कैसा बुढ़ा आदमी, लेजी आदमी, मैं सोचा हाँ जाते 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 हैं, बट मेरे को आज सुबह मिला, चाय पे हम लोग मिले सुबह, बहुत सही लड़का है। और आई जस्ट वांट टू से माय बिग थैंक यू टू अमन फॉर ड्रैगिंग माय एस ऑल द वे फ्रॉम मीरा रोड टू ऑल दिस प्लेसेस विच वी हैव सीन टुडे। फिर वो गोराई हो गया हो, दाना पानी का एक्सटेंशन हो गया हो, फिर ये किले वाला सीन हो गया हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, मैंने बहुत सारी जानकारी भी दी है इसमें, और आप लोग को पता भी चलेगा कि कौन सी जगह पे, मैंने भी जैसा बताया कि कुछ चीज़ें हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है, आपको अपना डिसीजन लेना है। बट ये वीडियो आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट गिव आउट माई बिग थैंक यू टू अमे। इधर आ जाए मेरी जान। तो ये है वेंडरलिस्ट अमे भाई का चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो, बेल आइकन बजाते रहो, जैसा कि हमें बोलते हैं सारे बटन तोड़ डालो भाई। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, शायद हो सके अगले वीडियो में हम लोग वापस से साथ में कोई और एक जो है वो ब्लॉग करें। तो आप लोग देखते रहिए वेंडरलिस्ट विद अमे और ऋत्विक के साथ। साइनिंग ऑफ नाउ।